हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो विच आपां 5 पॉइंट 2 अभ्यास का 18वां सम जिहड़ा है एपी सीरीज़ का करन जा रहे हैं। किसी एपी के चौथे अते अठवें पदों का जोड़ 24 है, चौथे पद का अते अठवें पद का जोड़ 24 है, छेवें अते दसवें पदों का जोड़ 44 है, छेवें पद जिन्ना है तो दसवें पद जिन्ना है उन्होंने जोड़ दईए तो 44 बनता है। इस एपी के पहले तीन पद पता करो। मान लो इस लड़ी का पहला पद ए सोल्यूशन जो करना है, सानू पता है ए ते डी सानू जरूर चाहिए हैं, जे नहीं हो तो असी सपोज कर लीदा। मान लो पहला पद बराबर है ए अते मान लो सांझा अंतर इस लड़ी का कॉमन डिफरेंस जिहड़ा है उहनू सपोज कर लिया डी है, तो फिर इस लड़ी का चौथा पद कितना होगा, ए फोर जिहड़ा है ए फोर कितना होगा, ए प्लस तीन डी होगा, ए प्लस तीन डी होगा। फिर अठवां पद तो आप ए एट देखांगे, अठवां पद, अठवां पद कितना होगा, ए एट, ए प्लस एट माइनस वन यानी कि एट ए प्लस ए बन जाऊंगा सैवन डी। तो इस तरह छेवां ते दसवां भी लभ लवेंगे आप, जो ए छे है वह होगा ए प्लस पांच डी हो गया, छे माइनस एक पांच, तो दसवां ए दस जड़ा है वह होगा ए प्लस नौ डी ए होगा, ठीक है। तो फिर सानू स्टेटमेंट दे विच क्या कहा जाता है, चौथे अते अठवें पदों का जोड़ जिहड़ा है 24 है, यानी कि एदा ते एदा चौथे दा नाले अठवें दा जिहड़ा जोड़ है वह 24 है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न अनुसार सानू क्या कहा, ए फोर प्लस ए एट जिहड़ा है वह 24 है, ए फोर कितना है, ए प्लस तीन डी, प्लस ए एट कितना है, ए प्लस सैवन डी, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वह कितना है 24। तो फिर जे आप इक्वल टर्म्स में जोड़ देवे तो साढ़े को ए नाले ए दो ने इक्वल टर्म्स हैं, इन्हों जोड़ के क्या बन गया, दो ए प्लस तो आ तीन डी है, सत डी है, तीन डी तो सत डी जोड़ के क्या बन गया, दस डी इज इक्वल टू 24, 24, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो जे इस इक्वेशन नू थोड़ा जिहा होर असी छोटा करना होवे तो असी होर भी छोटा करते हाँ कर सकते हाँ, दो दे नाल डिवाइड करके इसनू थोड़ा होर भी छोटा कर सकते हाँ, तो इसनू दो दे नाल जे डिवाइड कर दईए फिर इहनू कल्ले कल्ले पद नू दो नाल डिवाइड करना है, दो समीकरण नू दो नाल डिवाइड करन दा मतलब हुंदा है उस दे कल्ले कल्ले पद नू दो नाल डिवाइड करना है। इस तरह करन दे नाल पूरी इक्वेशन दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा, दो ए नू दो दे नाल डिवाइड कीता इत्थे साडे कोल दो नाल दो कट के ए बच गया, प्लस दस डी नू दो नाल डिवाइड कीता, दसां नू दो नाल डिवाइड कीता पंज डी बन जाएगा, इज इक्वल टू 24 नू दो नाल डिवाइड करांगे तां साडे कोल 12 बन जाएगा। इस इक्वेशन का नाम आप रख लेंगे हाँ एक। तो दूजी शर्त अनुसार अते दूजी शर्त अनुसार, दूजी शर्त अनुसार क्या है, छेवें अते दसवें पदों का जोड़ जिहड़ा 44 है, छेवें अते दसवें पद, इहदा मतलब ए छे प्लस ए दस जिहड़ा है वह कितना है 44 है, छेवां पद जिहड़ा कितना है ए प्लस पांच डी है, प्लस जिहड़ा दसवां पद है वह है ए प्लस नौ डी है, इहदा मतलब इन्हां दोनों का जोड़ जिहड़ा है वह 44 है। तो ए ते ए जोड़ के दो ए बन गया, दो ए ते प्लस पांच डी ते नौ डी जोड़ के नौ पांच 14 डी इज इक्वल टू 44 ए इक्वेशन बन गई। ए फिर दो दे सारे मल्टीपल हैं, दो दे नाल इहनू डिवाइड करांगे तो इत्थे बन जाएगा ए प्लस 7d इज इक्वल टू 22, दो दे नाल इहनू भी डिवाइड किया, इहनू भी डिवाइड किया, इहनू भी डिवाइड किया, तो ए इक्वेशन
बन जाएगी। इहदा नाम आपां दो रख लवांगे। तो हुण जिहड़ियां एक नाले दो जिहड़ियां इक्वेशनस हन उह दो चलां वालियां रेखी समीकरण बन गई हन। फिर आपां एक नूं दो दे विचों घटा देना है, यानी कि आपां करना है दो माइनस एक, दो समीकरण यह है, ये थले आप एक लिख लवेंगे। एक कि साढ़े को ए प्लस पांच डी बराबर है बारह है, तो इनू ये माइनस कर देवे बाइया के जो बारह माइनस करा तो साढ़े को कि दस, सत्त डी के पांच डी माइनस करा तो बन गया दो डी, ए माइनस करा तो यह कैंसल हो जाएगा। यदा मतलब क्या बन गया, तो साढ़े को डी है वह बन गया दस बटा दो बराबर है पांच, जो डी बन गया है पांच। तो फिर हूँ आप फाइंड करनी है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू किसी भी समीकरण के पुट कर दो, चाहे एक विच कर दो चाहे दो विच कर दो। तो जी छोटी है समीकरण वो आप पुट कर देंगे, एक विच करते हैं पुट, एक विच डी बराबर है पांच भरन ते साढ़े को क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा ए प्लस पांच डी, पांच नाल डी की गुणा होंगी है, गुणा पांच डी की थान से असं पांच पुट करना है, पांच बराबर है बारह, यह बन गया ए प्लस पच्ची बराबर है बारह, ज ए जड़ा बन गया वह बन गया बारह, उधर जाके पच्ची जोड़े हैं माइनस दे हो जाएंगे, तो ए जड़ा बन गया है बारह के पच्ची माइनस किते माइनस तेरह, ए साडे कोल आ गया है माइनस तेरह, तो डी साडे कोल है पांच, डी साडे कोल पांच है। तो फिर आप इस लड़ी के पहले तीन पद पता करने हैं, इसलिए पहला पद, इस लड़ी का पहला पद सानू पता ही है कि ए ही हुंदा है, वह कितना है माइनस तेरह। तो दूजा पद जिहड़ा हुंदा वह पहले दे विच जे डिफरेंस जोड़ दईए वह दूजा पद हुंदा, ते माइनस तेरह प्लस साझा अंतर पांच जोड़ दते यह बन गया माइनस अठ। तो थर्ड जिहड़ा पद हैगा वह हो जाएगा माइनस अठ दे विच जे आपां पांच जोड़ दईए तो माइनस तीन जिहड़ा है वह तीजा पद बन जाएगा। इसलिए यह साडा आंसर है, पहला पद जिहड़ा माइनस तेरह है, दूजा पद माइनस अठ है, तो तीजा पद माइनस तीन है। प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करया करो, वध तो वध मेहनत करया करो, ता ही जिहड़ा है मैथ तुहानू सौखा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।